चलिए आगे बढ़े। तो जर्मन कवि है रिल्के, वो कह रहे हैं कि अपनी सारी इच्छाओं और मूल्यों को कला के प्रति समर्पित किए बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी ऊंचे उद्देश्य तक नहीं पहुंच सकता। मैं कला को एक शहादत की तरह नहीं बल्कि एक युद्ध की तरह मानता हूं, जहां कुछ चुनिंदा लोग अपने परिवेश के विरुद्ध कुछ चुनिंदा लोगों को अपने परिवेश के विरुद्ध लड़ना है, ताकि वे शुद्ध मन से उच्चतम उद्देश्य तक पहुंच सके और अपने उत्तराधिकारियों को खुले हाथों से यह संपदा सौंप सके। ऐसा कुछ करने के लिए एक इंसान के समग्र जीवन की जरूरत है, न कि थकान भरे कुछ फुर्सती घंटों की। अब ये मतलब ये कह रहे हैं कि बार बार ये है कि परिवेश के विरुद्ध लड़ना, मतलब लड़ना का मतलब ऐसा नहीं है कि वो फाइट करने लगे और रोड पे निकल के झगड़ा करने लगे, वो नहीं है। लड़ने का अर्थ यहाँ ये है कि कलाकार दिमाग जो आदमी होता है या कलाकार मिजाज जो आदमी होता है, वो कभी किसी चीज से संतुष्ट होता ही नहीं है, चाहे वो चीजें कितनी कितनी अच्छी या कितनी बेहतर चाहे क्यों ना हो, वो कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ उसमें भी कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहेगा। मतलब हम सब अपनी आदतों को देखें, अगर अगर हमें कलाकार के दिमाग है तो हम कुछ ना कुछ कर डालेंगे। मतलब अगर आम भी सामने रखा हुआ है तब क्या पता उसको काटने के तरीके में हम कुछ एक्सपेरिमेंट करें, कुछ ना कुछ करें। तो दरअसल एक्सपेरिमेंटल दिमाग है। तो वो बोलते हैं कि ये होता है कि आप दुनिया जैसी भी है, जिस भी तरह की है, जितनी भी अच्छी है और जितनी भी बेहतरीन है, उससे थोड़ा सा बेहतर दुनिया उसको और चाहिए, तो थोड़ी सी सांस और चाहिए, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि सबके लिए। तभी हम अपने नाटक मतलब चीजों की पड़ताल करते हैं, अपने नाटकों में अपने नाटकों लाकर उसको परखते हैं। मतलब हमारे नाटक में जो मतलब इससे बड़ा उदाहरण क्या होता है कि हमारा नाटक तो हरिश्चंद्र को भी परखता है। वो बेस्ट है हरिश्चंद्र, मतलब बेहतरीन इंसान है, सबके सब लोग वो है, तो उनको उनकी बेहतरी की भी परीक्षा करता है लाटक। हरिश्चंद्र जैसा नाटक या उनकी, हम ये भी उठा करके लाते कि आपकी बेहतरी की भी परीक्षा होगी हर चीज का। मतलब चूंकि इसीलिए नाटक को कहा भी गया कि नाट्य प्रयोग शायद मराठी में यूज करते हैं, नहीं जयंदा प्रयोग के रूप जी में यूज करते हैं कि हाँ, वो ये नहीं कहते कि हम नाटक खेलने जा रहे हैं, नहीं कहते वो नाट्य प्रयोग इस्तेमाल हाँ, मैं करते भी हैं। और इस्तेमाल मैं बहुत भी सारी इस्तेमाल जगहों पे नाटक, हाँ दा मैंने आपको भी सुना कि प्रयोग करने जा रहा हूँ, हाँ मैं प्रयोग करने लेकिन जा रहा हूँ ना, जैसे प्रयोग ही ही है। हम कहने लगते हैं कि हाँ प्रयोग, तो प्रयोग अप्रयोग का जो वैज्ञानिक वैज्ञानिक व्याख्या है कि आप प्रयोग करते हैं उसमें से कुछ निकालने के लिए, कुछ भी तभी वो प्रयोग होता है, कुछ भी कहीं भी कोई प्रयोग करता है तो कुछ उसमें से चाहिए मेरे को। और वो शायद हो सकता है कि एक अर्क निकले, जैसे होम्योपैथी की दवा की एक बूंद की तरह निकले, या नहीं भी निकले। वो मतलब आइंस्टाइन बार बार बोलता था कि एक एक सफल प्रयोग तक पहुंचने के लिए आपको 99 असफल प्रयोग करने पड़ते हैं। तो वो पहुंचने के लिए, लेकिन जैसे ही हम नाटक को खेलने लगते हैं, नाटक पटकने लगते हैं, नाटक ठोकने लगते हैं, मतलब आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये सारे शब्दावली इस्तेमाल होते हैं हमारे थिएटर में। एक नाटक पटक देना है, एक नाटक ठोक देना है। हाँ तो कई बार तो ऐसा मतलब जब नाटक पटक देंगे और ठोक देंगे तब तो फिर मतलब फिर तो बात ही करना बेकार है। मतलब कि अब वो कील गाड़ने और नाटक करने में, लेकिन कील भी मतलब हर कोई नहीं गाड़ सकता, उसकी भी कला होती है। मतलब कील गाड़ने में भी कलाकारी है, आप वो भी नहीं कर रहे हैं। दरअसल दरअसल मतलब आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। होता है ना कुछ लोग मतलब आए, पूरी जिंदगी बीत गई, तो वो एक चुटकुला है कि एक आदमी पहुंचा चित्रगुप्त जी के पास, तो उसकी फाइल लाई गई, तो बोला यार तुमने तो कुछ किया नहीं, जाओ पहले नीचे जाओ कुछ करके आओ।
क्या तुमको स्वर्ग में भेजे कि नर्क में भेजे, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, तो तुम जाओ पहले कुछ करके आओ, तब तुम्हारा डिसाइड होगा। तो जब जब प्रयोग करेंगे तो वो प्रयोग जो है स्टेज पे बाद में होता है, वो प्रयोग पहले रिहर्सल में हमारे होता है। तो जब प्रयोग करेंगे तो हम मतलब वो वैज्ञानिक जो होता है वैज्ञानिक दृष्टि, हेलो हाँ सर सर जी, तो जब वो नजरिया ही वैज्ञानिक, हाँ तो नजरिया ही वैज्ञानिक हो जाता है। और जब मतलब चाहे वो हमारा नया कलाकार हो, अभी का जुड़ा हुआ कलाकार हो, या फिर हम जो 10 साल 20 साल 25 साल से कर रहे हैं, जब नजरिया ही वैज्ञानिक होगी या तो खोजू नजरिया होगी। जैसे रात का टाइम है, रात के टाइम में यार टॉर्च लेकर के जंगल में आपको जाना है, तो उसमें नया पुराना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब वैसे ही चलेंगे। तो जब ये नजरिया डेवलप कर लेंगे कि हमको खोजना है, तो प्रयोग में आ जाएगा अपने आप ही आ जाएगा। लेकिन जब ये नजरिया डेवलप करेंगे कि डायलॉग याद हो गया, हाँ ये रहा ब्लॉकिंग याद हो गया, हाँ तो चल अब नाटक पटक देते हैं। तो इसमें तो मैं उसको नाटक खेलना नहीं बोलता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ कि भाई आपने नाट्य पाठ किया है, आपको डायलॉग याद है, आपके क्यू याद है दूसरे वाले एक्टर को, और हमें नाटक आपने सुना दिया जो भी जैसा भी आपको आता था बोलना। अच्छा, इसमें कमाल की एक बात यह है कि दर्शक की तरफ से मैं बात करूं तो दर्शक सिर्फ नाटक का कथ्य देखने नहीं आता, वो दर्शक प्रस्तुति देखने, मतलब कैसे खेला गया है, नहीं तो वो घर पे बैठ के वो आषाढ़ का एक दिन पढ़ ले, वो कैसे खेला गया, मतलब इसको इंटरप्रेट कैसे किया गया। मतलब भले हमारा दर्शक ये बोलने जानता हो या नहीं जानता हो, ये शब्दावली इस्तेमाल करने जानता हो या नहीं जानता हो, जैसे हम कई बार कोई चीज बनाना नहीं जानते हैं, जैसे मैं जलेबी बनाना नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं जलेबी खा के बता सकता हूँ कि ये जलेबी अच्छा है या खराब, मैं उसकी विधि नहीं बता सकता। तो वैसे ही हमारा दर्शक जो है वो, तो हाउ अगर हमने इस दिशा में काम नहीं किया कि हमारी प्रस्तुति प्रक्रिया जिसको बोलते हैं उस पर काम नहीं किया, तो वो नाटपाठ होता है सीधी तरह से, नाटक याद करके हमने पाठ कर दिया। और ये कितना नाटक हो रहा है, नाट्य प्रयोग हो रहा है, कितना नाटक खेला जा रहा है, कितना नाटक झोंका जा रहा है, और कितना नाटक जो है पटक दिया जा रहा है, ये हम सबको पता है, वो बताने की जरूरत नहीं है अलग। अब एक हाँ नाम लूंगा तो गंदा तो फिर झगड़ा हो जाएगा ना, फतवा जारी हो जाएगा रात में। नहीं नहीं ठीक है समझ लीजिए ऐसे। नहीं मतलब ये है कि हिंदुस्तान की ये ऐसा एक ऐसी बात दिमाग में आती तुम्हारी बातचीत से कि हिंदुस्तान के रंगकर्म में या भारतीय रंगकर्म में यदि अभिनेताओं की गिनती की जाए या जितने ग्रुप्स हैं, जितने जगह थिएटर होता है, तो आपको गिनती के ही अभिनेता दिखते हैं, गिनती के ही टेक्नीशियन दिखते हैं, गिनती की ही अभिनेत्रियां दिखती हैं, गिनती के ही सह अभिनेता दिखते हैं। तो मुश्किल ये है कि मैं अपने नाटक से उदाहरण देता हूँ कि मुश्किल ये है कि अभिनेता जब 25वां, 26वां, 27वां, 28वां शो होता है तब वो कहने लगता है कि अरे अब मुझे चरित्र मालूम चल रहा है, अब मैं समझ रहा हूँ कि नाटक क्या है। तो आप ये देखिए कि मैं इसलिए प्रयोग कहता हूँ कि 30 शो करने के बाद उसको ये समझ में आ रहा है कि मैं ये वाला चरित्र कर रहा हूँ और इसकी खूबियां ये है, इसकी बुराइयां ये है, इसका रिलेशनशिप ये है। तो भैया मेरा तो समझ लीजिए कि 20 शो 25 शो जो प्रयोग ही हुआ, अभी मेरा थोड़ा थोड़ा रिजल्ट आना शुरू हुआ, कैरेक्टराइजेशन एक्टर समझना शुरू किया। तो हमारे अव्यावसायिक जो नाट्य मंडली है, तो तुम शुरू में कह रहे थे कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग प्रोसेस नहीं है, तो प्रक्रिया नहीं है। एक महीने में आपने स्क्रिप्ट पढ़ी और ब्लॉकिंग कर दी और डायलॉग याद कर दिया, तुम यहाँ से राइट से लेफ्ट चले जाना, यहाँ खड़े होकर डायलॉग बोल देना और चले जाना। तो ये जो प्रक्रिया है सामान्य रूप से अव्यावसायिक रंगकर्म की, इसलिए कभी भी छोटे ग्रुप में या चाहे भोपाल शहर ले लीजिए, चाहे जबलपुर ले लीजिए, चाहे तो बहुत गिनती के अभिनेता अभिनेत्री तकनीशियन निकल के आते हैं जो भारतीय रंगमंच पे एक बड़े स्पैन में प्रसिद्ध होते हैं और उनके उनकी कला को या उनके काम को लोग सराहते हैं। तो ये इस क्रिया की
की प्रॉब्लम है बेसिकली, पढ़ने की प्रॉब्लम। मतलब ये है कि ये कहूँ तो मुझे शर्म नहीं आनी चाहिए कि प्ले आप कर रहे हैं, इतने शोज हो गए, आपका स्क्रिप्ट नहीं है प्ले की, तो अब मैं और क्या कह सकता हूँ। जो गीता है एक तरह से, एक्टरों की गीता है, शो के रिहर्सल भले आपको शो के पहले आपको एक मिल रही है, दो मिल रही है, चार मिल रही है, या उसी दिन आप रिहर्सल कर रहे हैं, पर आप रिहर्सल में आने से पहले, शो करने से पहले उस स्क्रिप्ट को दोबारा तो पढ़ना चाहिए। वो हमारे यहाँ की, वो हमारे यहाँ नहीं, वो ट्रेनिंग हमारे यहाँ नहीं। और सर यहाँ ये, हाँ बोलो बोलो सर, यहाँ तो ऐसा होता है कि याद हो गया उसके बाद स्क्रिप्ट कहाँ फिका रही ये नहीं समझ में आता। तो कहो कि आज, हाँ आज नाटक है तो आज रात में जाके, मतलब कल नाटक है तो आप आज रात में जाके बहुत शांति से रात में इसको पढ़िएगा और सुबह उठ के एक बार और रीडिंग करिएगा। अरे वो तो सब याद है, सब याद है। हाँ नहीं, ये दोनों तरह से है, एक अभिनेताओं के साथ भी है, दूसरा तकनीशियन लोगों के साथ भी है। कोई लाइट डिजाइनर या लाइट कंट्रोल करने वाला है या म्यूजिक डायरेक्टर या रूपंकर मतलब मेकअप करने वाला या कॉस्ट्यूम डिजाइनर, वो नाटक शो होने के दो दिन एक दिन पहले आता है, या सेट डिजाइनर दो दिन पहले आता है और उसके बाद पूरे नाटक का सारा तकनीकी पक्ष वो तय करता है। ऐसे कैसे हो सकता है, एक नाटक का पूरा तकनीकी पक्ष जिस दिन रीडिंग होती है उस दिन से ठीक है उसका काम हो सकता है, पर वो 20 दिन की रिहर्सल में कम से कम 10 दिन तो आए, तब उसको ब्लॉकिंग समझ में आएगी, तो वो सेट समझ में आएगा, डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आया, कॉस्ट्यूम समझ, कॉस्ट्यूम जिस दिन हमारा शो होता है उसी दिन कॉस्ट्यूम आती है, वो बेचारा धोती पहन रहा है, वो अटक रही है, वो खुल रही है, वो गिर रही है। तो एमेच्योर थिएटर में, अव्यावसायिक नाट्य मंडलियों में, क्या अभी हमको जहाँ विचार की बात है, विचार और वो सब अलग चीज है, स्टाइलाइजेशन विचार ये सब अलग बात है, पर एक नाटक की प्रस्तुति में जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए कोशिश जो है ना, मुझे लगता है अभी भी हमारे यहाँ ये कमजोरी है। इसीलिए नाटक का शो तो कर देते हैं, उसके बाद वो दूसरा शो नहीं होता, फिर तीसरा शो नहीं होता। मतलब एक महीने रिहर्सल करके शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे नाटक खत्म करके रिव्यू कल अखबार में छप गया और नाटक बंद। तो इसलिए ये हर शो होता है नाटक का, उस नाटक को दोबारा कोई करने की हिम्मत नहीं करता, दोबारा बुलाने की हिम्मत नहीं करता। खुद एक्टर कहते हैं अरे यार बस हमने कर दिया यार शो, ये क्यों? तो ये एक बहुत बड़ी कमजोरी हमारे व्यावसायिक रंगकर्म की मुझे लगता है, और हम लोगों की एक खास तौर से जिम्मेदारी है कि जब भी हम कोई प्ले करें तो इस तरह की प्रक्रिया की कोशिश करें जिससे इस तरह के लोग धीरे धीरे, क्योंकि हर कोई एनएसजी नहीं जा सकता, हर कोई ड्रामा स्कूल नहीं जा सकता, हर कोई आर्किटेक्ट की ट्रेनिंग नहीं ले सकता, कॉस्ट्यूम की ट्रेनिंग नहीं ले सकता, भानु मुथैया से, तो आपको अपने बीच में ही रह के ऐसे लोग तैयार करें। इसीलिए तुम्हारी जो बात तुम शुरू से कह रहे हो तो एग्जैक्टली यही बात है, और ये हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है बेसिकली व्यवसायिक रंग का। इसलिए मुझे लगता है रीड है। और नाटक का रिपीटेशन इसलिए होता है कि वो करा कराया नाटक इसलिए करते हैं, अरे यार उनका देखा था, उनका डीवीडी देख लेते हैं और कर देते हैं, तो वो इसीलिए ऐसा होता है। तो खुद का दिमाग नहीं होता ना एक्टरों का ना डायरेक्टर का, छोड़ देना चाहिए, उसके बाद यदि वो कितना फैल रहा है या कितना सिकुड़ रहा है उसके बाद उस ब्लॉकिंग में उसको बांधना, पहले से ही तुम्हें 3 कदम चलना है, तुम्हें 6 कदम चलना है, यहाँ पर हाथ ऊंचा करना है, सर ये बड़ा अजीब लगता है। मैं तो इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जितने इस तरह के नाटक हैं जैसे आधे अधूरे है या नट सम्राट है या और सखाराम बाइंडर है, मैं अपने नाटकों को उदाहरण दे रहा हूँ, अपने नाटकों के नाम ले रहा हूँ, कि वहां सिर्फ आप यदि कैरेक्टर बना के छोड़ दीजिए, क्योंकि सखाराम को यदि लक्ष्मी से बात करें तो लक्ष्मी के पास ही जाएगा ना, वो कहीं और सीता के पास नहीं चला जाएगा। नट सम्राट को यदि अपनी बेटी से बात करें तो बेटी के पास ही जाएगा, बेटी नट सम्राट के पास ही आएगी ना, वो खुला छोड़ दीजिए, उसकी कोई ब्लॉकिंग होती नहीं बेसिकली। आधे अधूरे में भी ऐसा ही है, जहां तक ब्लॉकिंग की बात होती है वो स्टाइलाइजेशन मतलब है वजन है, उसमें घोड़ा चला जा रहा है, उसके पीछे कपिल है और अपना
पद्मिनी है तो वो किसी रास्ते से गुजर रहे हैं, तो वहां कहीं कोई कुछ ब्लॉकिंग या वहां कोई मूवमेंट की जरूरत होती है, वो हो सकता है मूवमेंट जो है विथ रिदम डायरेक्टर तय करता है। अंधा युग है और बहुत सारे ऐसे नाटक हैं जिसमें आपको बेसिकली ब्लॉकिंग की जरूरत नहीं होती है, वो आप कैरेक्टर समझ में आ जाए और छोड़ दीजिए। मौसा जी है हमारे वसंत दादा का भाई कैरेक्टर है, वो जिससे बात कर रहे हैं उसी के पास जाके बात करेगा ना, ये दूसरी जगह कैसे जाके बात करेगा। और एक अजीब सी चीज है कि मेरे को देखने में आई है, नहीं दादा जयंदा मैं तो इतना कह रहा हूँ, मैं इतना कर रहा हूँ कि दूसरी जगह भी कहीं भी जाओ, मुझे उसका उसका तर्क वितर्क कुतर्क जो भी है वो समझा दो, चले जाओ जहाँ जाना है, लगे कि हाँ कोई मोटिव है, मतलब है जहाँ। हाँ सही बात है, सही बात है, कोई मोटिव, सही बात। अरे कुछ लोग तो ये यही बात है बोल रहे हैं इस तरह नाटकों में कई बार बोलते बोलते उन लोग ऑडियंस को बोलने लग जाते हैं, ऑडियंस को बोलने लग जाते, अरे भाई किससे बात कर रहा है तू, ऑडियंस को क्यों बोल रहा है। ये बड़ी सी एक अजीब सी दादा मतलब इस विषय में मुझे हमेशा ही लगता है कि दरअसल ये ट्रेनिंग का पूरा देखिए मतलब अगर आज एक बच्चा आया है, मैं उसको ये नहीं कह सकता कि बेटा तुमको मैं स्टेज पे छोड़ दे रहा हूँ, वो फिर चक्रव्यूह वाला अभिमन्यु हो जाएगा, वो मारा जाएगा तो उसको ब्लॉक करना जो है मेरी मजबूरी हो जाती है। हाँ इस पर हम डिबेट कर सकते हैं कि यार जब मेरा घोड़ा तैयार नहीं है तो उसको काहे को छोड़ रहा है चक्रव्यूह, नहीं तैयार तो करना पड़ेगा। हाँ जी लेकिन अब दिक्कत ये है दादा कि ये बात तो उस घोड़े को भी पता होनी चाहिए कि बेटा 3 साल जैसे नृत्य में होता है, डांस में या म्यूजिक में होता है कि जब तक आपको गाना आएगा नहीं तब तक आप स्टेज पे जाके परफॉर्म करेंगे नहीं, सीधी सी बात कि आप कोई आज आया और कल जो है वो राग मतलब 1 महीने के अंदर राग भैरव भी नहीं गाएगा, गाने नहीं देगा उसका गुरु, सीधी बात, और वो भी उसकी भी हिम्मत नहीं होगी। लेकिन अब हम लोगों के अब जो भी है जो गलत संस्कृति अपसंस्कृति कुसंस्कृति जो भी है वो बन गई है कि भाई लड़का आया और वो 1 महीने 1.5 महीने के अंदर वो परफॉर्मेंस में जाएगा, और अगर आपने नहीं डाला अगर 6 महीने के अंदर है उसके परफॉर्मेंस में तो वो लड़का दोबारा आपके पास कभी आएगा भी नहीं, क्योंकि संस्कृति ये बन गई है कि उस मतलब वो थिएटर का मतलब चूंकि वो थिएटर हवा में आया है, वो ना आइसोलेशन में आया है, वो या तो कोई नाटक देख करके आया है, वो जो मतलब मैं अपनी बात करूं तो मुझे थोड़ी पता था थिएटर में इतना कुछ होता है, अरे वो तो अखबार में गलती से नाम छप गया और मुझे मजा आ गया एक नाटक करने को, तो मजा आ गया तो बोला कि चलो कर ले, और हम सब की कहानी यही है लगभग सेम टू सेम, मतलब किसी का आकर्षण कुछ और होगा तो बाद में समझ में आता है जब मतलब वो तो मेनली है कि धीरे धीरे अगर संस्कृति मतलब वही ट्रेनिंग की संस्कृति हम अपने ग्रुप में डेवलप करें, ट्रेनिंग पे काम करें तो ठीक है, उसमें से हो सकता है कि 20 लोगों में से 10 लोग हमारे न रहे उस ग्रुप में, लेकिन वो 10 जो बचेंगे या 5 जो बचेंगे वो एक संस्कृति फिर पैदा करेंगे, और जब उसका रिजल्ट आना शुरू होता है तो लोग मतलब फिर जब बेहतर रिजल्ट आने शुरू होते हैं, जैसे जिन किसी का भी नाम हम हिंदुस्तान के थिएटर में ले लें, चाहे भरत मुनि के काल से अभी तक के जिनका जिन्होंने भी थोड़ा बहुत या कम जैसा भी है अपना एक नाम बनाया है, तो प्रोसेस से बनाया है, सिर्फ प्रस्तुति से किसी का नाम बना नहीं, किसकी मतलब दादा लोग है तो एक कुछ है प्रोसेस चलाया है। तो ये अब मैं थोड़ी सी अपनी बात खत्म कर लेता हूँ कि नाटकों को लेकर के मुझे जो सबसे बेहतरीन वक्त अभी लगता है खासतौर से प्रासंगिकता को लेकर के, क्योंकि कई बार तो हर चीज होता है नाटक में, लाइट अच्छी है, कॉस्ट्यूम अच्छी है, सेट अच्छा है, मतलब सब बढ़िया है, एक्टर परफॉर्म भी कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन ऐसा लगता है कि यार ये नाटक देखकर मतलब कि हुआ क्या, दरअसल चकाचौंध है, सब कुछ है। तो मुझे दारियो फो की एक लाइन बड़ी बड़ी प्यारी सी लगती है, वो मैं सुना देता हूँ, हम उससे एग्री डिसएग्री हो सकते हैं, कोई बात नहीं, मतलब एग्री
द्वंद्व में तो नाटक ही पैदा होता है, तो हम द्वंद्व में न रहे तो मजा ही नहीं आएगा। अब किसी भी चीज को हम नाटक वाले अगर लकीर की तरह मान ले तो उससे तो खराब बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। हम तो उसको भी, हम तो बेहतर को भी जब परखेंगे तो इस लाइन को भी परखेंगे। वो कह रहे हैं कि एक रंगमंचीय, एक साहित्यिक, एक कलात्मक अभिव्यक्ति जो अपने समय के लिए नहीं बोलती उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। मतलब फिर से रिपीट करें, एक रंगमंचीय, एक साहित्यिक, एक कलात्मक अभिव्यक्ति जो अपने अपने समय के लिए नहीं बोलती उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं। ठीक है, मतलब अभी की बात होनी चाहिए, आज की बात होनी चाहिए। और चूंकि हमने, अब दिक्कत क्या होती है कि हमने डायरेक्टर तो पैदा किए, एक्टर पैदा किए, नाटककार पैदा ही नहीं किए, तो नाटक ही नहीं है हमारे पास। तो अब जो हमारे पूर्वज जो लिख करके गए हैं उसी को, अच्छा ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि पूर्वजों के नाटकों में जो है वो प्रासंगिकता नहीं है, है एकदम निश्चित रूप से है। बहुत सारे नाटक ऐसे हैं कि मतलब ईसा से जो है 600 साल पहले लिखे गए वो आज भी प्रासंगिक है, उठाते हैं तो। लेकिन हो सकता है कि हमें किसी और तरह के नाटक की जरूरत है आज, अभी किसी और तरह की भी नाटकों की जरूरत है। मतलब वो नाटक भी, नए नाटक भी आने चाहिए। मतलब अब चूंकि नए नाटक तो नहीं, अब बोला कि अब आज का प्रश्न नहीं है, आज का इंसान क्या दुख दर्द खुशी सीमा ये सब वो सब जो भी दुनिया, क्योंकि दुनिया तो बदलती रहती है, बदलाव होता है, ऊपर लेवल पे हो चाहे अंदरूनी लेवल पे है, बदलता तो रहता है, संस्कृति रुकी रहती नहीं। तो वो बदलाव जो हमारे नाटकों में आ रहा है, नहीं आ रहा है, जैसे मैंने बहुत सारे, पता नहीं हम में से कुछ लोगों ने देखा होगा रोमियो जूलियट, ये क्या ओथेलो ब्लैक एंड व्हाइट, अब वो है ओथेलो, या फिर फिल्म की बात करें, मतलब नहीं थिएटर की बात करते, फिल्म में फिर झगड़ा हो जाएगा तुम्हें फिल्म पसंद है नहीं, हाँ झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि फिल्म पे तो हम सब, फिल्मों पे तो हम सब विद्वान होते हैं, हर किसी के पास राय है। तो अब ब्लैक एंड व्हाइट वो नाटक जो है शेक्सपियर का भी नाटक है और शेक्सपियर का नाटक नहीं थी, द्वंद सारा शेक्सपियर वाला ही, टेक्स्ट सारा शेक्सपियर वाला भी, ओथेलो और यागो भी आ रहे हैं, लेकिन ओथेलो और यागो उस संदर्भ में नहीं आ रहे जिस संदर्भ में लिखे गए। तो मतलब टेक्स्ट भी समझ में आ रहा है और जो सामने वाला आदमी है बोलता है आदमी तो आज का है यार। तो और जो द्वंद भी निकल के आ रहा है, प्रेम और ईर्ष्या के जो द्वंद निकल के आ रहे हैं वो भी आज का है, जो कॉम्प्लेक्सेस निकल के आ रहे हैं वो भी आज का है। और अपनी बात खत्म करना चाहूंगा, मुझे लगा था कि मैं 20 मिनट में खत्म कर दूंगा, लेकिन शायद कि अब होता है कि दायित्व क्या है बॉस, इतना तो बोल दिए ठीक है, ये सब वो सब तो मतलब इतनी तैयारी हो गई, तो दायित्व क्या है, तो मुझे लगता है ये अंधायुग में मतलब उसके लिए बड़े बड़े फिलोसोफर को पढ़ लिया जाए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ना भी पढ़ा जाए तो अगर संजय का जो अंधायुग में संजय का ये डायलॉग है अगर इसको ही हम समझ लें तो शायद थोड़ा बहुत तो कुछ भला हो जाए हमारा। संजय बोलते हैं कि हर संकट, युद्ध, महानाश, प्रलय, विप्लव के बावजूद शेष बचोगे तुम संजय सत्य कहने को अंधों से। तो मुझे लगता है इसमें इसमें दायित्व बोध है, मुझे लगता है कि तटस्थ हैं संजय, जैसा हम सब जानते हैं, तटस्थता भाव भी है और उसके बाद दायित्व बोध भी है। मतलब तटस्थ ऐसा वाला भी नहीं है कि आप तो हम तो भाई हम तो खाना खा लिए अब हमको नींद आ रही है सोने दो बाकी देश दुनिया में क्या हो रहा है वो सवेरे न्यूज में देखेंगे, ऐसी वाली भी तटस्थता नहीं है। कि अगर संजय युद्ध में भाग नहीं लेते हैं तो युद्ध से प्रभावित नहीं है, ऐसा नहीं है। अब वो उसके बाद आगे जाकर तीन बार बोलते हैं फिर भी रहूंगा शेष, फिर भी रहूंगा शेष, फिर भी रहूंगा शेष। सत्य कितना कटु हो, कटु से यदि कटुतर हो, कटुतर से यदि कटुतम हो, फिर भी कहूंगा मैं केवल सत्य, केवल सत्य,
और केवल सत्य। मतलब मुझे लगता है कि एक कलाकार के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए इससे बड़ी, मतलब यही बात है, अब यही बात है किताबों में होंगी और यही जरा कि भाई सत्य चाहे कितना भी कटु हो, कटु से कटुतर हो, कटुतर से कटुतम हो, लेकिन कहना कहना पड़ेगा, कहना चाहिए। और इसीलिए मुझे लगता है कि इस दुनिया में आर्टिस्ट और इंटेलेक्चुअल की जरूरत है। अगर अब ये सत्य सिर्फ मैं पॉलिटिकल जरूर हो ना हो, हर तरह का सत्य है, इमोशनल सौंदर्य का भी सत्य है, फिर उसको झूठलाने का भी एक सत्य है, मतलब जो भी है, लेकिन उसमें ट्रूथ जो की बोलते हैं कि आप अच्छा करो बुरा करो डजंट मैटर, दिल से करो, कि उसमें दिमाग भी जोड़ दिया जाए तो मजा आ जाता है, कि मतलब दिल और दिमाग से करो तो धीरे धीरे ठीक है, आज नहीं हो रहा, लेकिन अगर दिल दिमाग लगाएंगे, तकनीक लगाएंगे और मेहनत लगाएंगे तो हो जाएगा, इतना बुरा भी नहीं है। उदाहरण के लिए यहाँ मैं फिल्म यूज करना चाहूंगा, उदाहरण के लिए जब पूरी दुनिया अधिकतर लोग हिटलर से डर रहे थे, तो वहीं पे एक चार्ली चैपलिन जैसा आदमी भी है जो द ग्रेट डिक्टेटर बना रहा होता है और रिलीज करता, अब वो बनाने की हिम्मत, तो मुझे लगता है कि अच्छा चार्ली चैपलिन को दुनिया हम मतलब विदूषक नहीं है, विदूषक है भी तो विदूषक होना बहुत करेज की बात है। वो जो बोलते हैं ना कि जैसे दिन में ही गीतांजलि जी किसी चीज बात पे थल किसी नाराज हो गए तो मैंने उनको बात एक बोला मैडम मजाक एक गंभीर विषय है, मैंने मतलब इसको प्रचार करने में थोड़ा मजाक किया था, तो बोली कि अरे पुंज जी आपने तो इसको मजाक बना दिया। मैंने बोला कि आप मजाक को इतना हल्का क्यों ले रहे हैं, मजाक एक गंभीर विषय है, मजाकिया होना कोई हाँ, तो और बोला कि मजाकिया होना कोई छोटी बात नहीं है। मैंने मॉलियर का उदाहरण भी दिया कि लोग बोलते हैं कि मॉलियर का नाटक जो है क्या है, हास्य है, हास्य है, तो मॉलियर ने जवाब दिया था कि जिस दिन तुम पर कोई हंसेगा तब समझ में आएगा कि हास्य का अर्थ क्या होता है। और जिसको बाद में जाकर के और लोगों ने बोला कि डिक्टेटर्स सिर्फ हंसी से डरते हैं, तो डिक्टेटर्स कोई भी हो सकता है, मैं भी आप भी हो सकते हैं, हमारे सामने कोई हंस दे हमारा मतलब वो हंसी जो है अपने आप में एक वक्तव्य है, इसलिए मजाक भी एक वक्तव्य है। तो अब चार्ली चैपलिन अपनी कला का इस्तेमाल कर रहे हैं, द ग्रेट डिक्टेटर बना रहे हैं, और द ग्रेट डिक्टेटर उस टाइम में बना रहे हैं जिस टाइम में ये समस्या ज्वलंत है कि लोग हर आर्टिस्ट जो है, आर्टिस्ट तो क्या बड़े बड़े लीडर लीडरान भी बचना चाह रहे हैं, उसी समय ये हिम्मत करते हैं जब पूरी दुनिया मॉडर्निटी के तरफ भागने वाली होती है, भागती भी नहीं है, लेकिन चार्ली चैपलिन को पता चल जाता है कि ये दुनिया किस तरफ जाने वाली है। और ये अब आप देखिए वो मॉडर्न टाइम जैसा फिल्म बनाता है आदमी, जो भविष्य की फिल्म है दरअसल, मतलब मॉडर्न टाइम में क्या इतनी बड़ी बड़ी मशीनरी और उसमें प्रोजेक्टर ही इस्तेमाल किया हुआ है, जो अब जाकर के मतलब हिंदुस्तानी संदर्भ में बात करिए तो अब जाकर के इस्तेमाल हुआ, तो वो और मॉडर्निटी मतलब एक सीन हम सबको याद होगा कि जो खाना खिलाने वाला जो सीन है, या फिर मशीन के अंदर जो आदमी पूरे का पूरा घुस जा रहा है, इतनी बड़ी इमेज तो वो उस समय प्रोड्यूस कर रहा है आदमी। अब मतलब वो आज आज क्या क्या कल का भी सिनेमा है, वो भविष्य का भी सिनेमा है, तो हमारी कला या गोल्ड रश जैसी फिल्म, मतलब वो सीन कौन भूल सकता है जब अब सब जो है सोने के पीछे भाग रहे हैं और फाइनली आपको जूता उबाल के खाना पड़ रहा है और आप मरने उतरने की हालत हो जाती है, और भौतिकता तो ये मतलब मुझे लगता है चार्ली चैपलिन की बात अगर कर ले, हिंदुस्तान में बात इसलिए नहीं किया क्योंकि हिंदुस्तानी एक उदाहरण देने पे हम सारे हिंदुस्तानी तो थोड़ा जोश में आ जाएंगे, है उसका उदाहरण क्यों मेरा क्यों नहीं मैं भी तो हाँ उदाहरण भी दादा ढूंढना पड़ता है ना कि जिसमें सारे बाबा लोग को जो है स्वीकारिता हो मुझे लगता है कि ये इतनी हिम्मत हमें दिखानी पड़ेगी और ये हमारी जिम्मेदारी भी है और यही हमारा दायित्व भी है, और तभी इस दुनिया में जो है कलाकार की जरूरत नहीं है, जरूरत भी है
नहीं तो अगर ये हम नहीं कर पा रहे हैं, इतनी हिम्मत नहीं दिखाएंगे, तो कलाकार मतलब आर्टिस्ट और इंटेलेक्चुअल की जरूरत क्या है? दुनिया तो ऐसे इनके बिना भी चल ही रही है, चलेगी जी मेरी। और आखिरी में एक दोहा है जो मतलब होता है ना भरत वाक्य, कबीरा यह घर, हाँ भरत वाक्य होना चाहिए ना, भारतीय लोग हैं तो एक भरत वाक्य के बिना कैसे समाप्त होगा, कि कबीर कह रहे हैं कि कबीरा यह घर प्रेम का खाला का घर नहीं, शीश उतारे भूई धरे तब बैठे घर में, भरत वाक्य समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल करना चाहता है तो कर सकता है। क्या बात है, सन्नाटा तू ही पता, सन्नाटा ये हुई बात, ये हुई बात, ये हुई बात। नहीं अच्छे नाटक के बाद ताली नहीं बजती है। नहीं आत्ममुग्ध नहीं होना चाहिए। कहाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं तो अच्छा मैंने मैंने नाटक की बात की, मैंने लेक्चर की तो बात ही नहीं। जी जी हमारे बीच में सर भी है। हाँ आज आपने लेक्चर पटक दिया। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात दिया है? ठोका है, अभी जिंदा है, आइसोलेशन में मतलब उसको वेंटिलेटर पे डाल के फिर से जिंदा किया जा सकता है, मरा नहीं। चलिए अच्छा लगा पुंज प्रकाश जी, बहुत दिन बाद मिले, बहुत अच्छा लगा हमारे मतलब थिएटर में बहुत लोगों को माइक पकड़ाइए तो कहते हैं कि अरे मैं ये मेरा मेरी विधा नहीं है। बोले अरे कैसे नहीं है भाई, यही तो आपकी विधा है। बारिक सर कैसे हैं? बारिक सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर, क्या हाल है सर? बस बढ़िया सर, सुन रहा हूँ मैं तो, चित्रगुप्त द्वारा वापस भेजा हुआ व्यक्ति हूँ, सीख रहा हूँ अभी। अरे बस ये आपने बोल दी, अब मैं सोने जा रहा हूँ। नहीं नहीं सीख रहा हूँ। ठीक है तो थैंक यू गीतांजलि जी। हाँ थैंक यू, लेकिन अभी जाने के लिए थोड़ी कहाँ गए आपको। हम समय का पूरा सदुपयोग करते हैं, जब तक हम वीडियो नहीं कट जाए तब तक आप बातें चलती रहती है। नहीं नहीं अच्छी बात है कि आपने जबरदस्ती जो है, मैं आना नहीं चाहता था और गीतांजलि जी जो है जबरदस्ती लेके आई है, धमकी भी दिया है इन्होंने। ये रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है और सारी पोल पट्टी यही खुलना है। हाँ और शिकायत भी की है, कल भी कह रही कि आशा फिर वो जो हुआ ना कि अरे भाई ये कार्य भी कोई फेसबुक पे मुझे लाइव कर रहा है, अच्छा मैंने बोला तो कुछ नहीं, आप नहीं आए और वहां जा रहे हैं बोलने। चलिए क्योंकि बात कोई नहीं टाल सकता। नहीं नहीं टालते हैं सर, पूछिए। नहीं 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 देखिए जो ये लोगों ने टाल दिया, बोले नहीं। हाँ चलो ठीक है टाल दिया। मेरा मकसद यहाँ पर हम लोगों को एक मना किया होगा, टाला नहीं होगा। हाँ ये मुश्ताक सर कुछ बोलेंगे नहीं क्या? हाँ बोलिए। हाँ बोलूंगा। नमस्ते सर। नमस्ते पुंज, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया सर। चलो गीतांजलि ने तुम्हें जबरदस्ती लाया या हड़का के लाया या पटका के लाया पर लाया, और इसके लिए तो बहुत अच्छी बात है ये चीजें, क्योंकि आजकल जो हम डिजिटल की बात कर रहे हैं
और इस कोरोना की वजह से हम कई लोग जो हैं फेस टू फेस एक दूसरे को देख पा रहे हैं और एक दूसरे की बातें सुन रहे हैं जी। मैं इसलिए नहीं बीच में बोल रहा था क्योंकि सुनना बहुत जरूरी था और इसी वजह से हम सब लोग मिल रहे हैं, हमारी आपस में वार्तालाप हो रही है जी। कल मैं बंसीदा को सुन रहा था और बंसीदा ने बहुत अच्छी बातें करी कि वो हालांकि डर रहे थे कि मैं हाईटेक ये नहीं जानता, हालांकि मैं भी हाईटेक नहीं हूँ। वो कह रहे थे कि कल को जब हम बाहर निकलेंगे तो कहीं फेस के ऊपर फेसबुक ना लिखा हो और यही एक साधन है इस वक्त हम सबों का आपस में मिलने का, बातचीत करने का, अच्छी अच्छी बातें सुनने के। और ऐसी बात नहीं कि आपने अच्छी बातें नहीं की, आपने भी अच्छी बातें की, आपने वही किया जो आपके साथ हुआ प्रैक्टिकल में। जैसे एक्टर की बात कर रहे थे, जयंत भाई भी कह रहे थे कि वो एक्टर तैयार होता है, शोज तैयार होते हैं, लेकिन जयंत भाई अब एक मुसीबत वही आई ना जो हम हिंदी, हेलो मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, जी 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 बोलिए। नाटक की जैसे हम कमी कल कर रहे थे बात में, वैसे एक्टर की भी कमी है कि अब सारे एक्टर तो आपको नहीं मिलेंगे और कुछ निर्देशक ऐसे हैं कि वो एक्टर्स को लेके ही काम करेंगे, एक नए बोध को लेके नहीं काम करेंगे वहां पे, वो यही सही बात है। ये क्योंकि नई बोध तैयार होगी, क्योंकि नहीं आज कुछ नाटक वो एक्टर आज नहीं है कि कुछ नाटक जो है वो एक्टरों के नाम से। तुगलक की जब भी आप बात करते हैं आपके दिमाग में मनोहर सिंह जी आते ही आते हैं, आप नहीं निकाल सकते मनोहर सिंह जी। आप अंधा युग की बात करते हैं तो अपने क्या नाम है, अपने फोन से बोला मुझे नाम भूल गया, दो लोगों का, उन दोनों लोगों का नाम आता ही आता है। उत्तरा जी का नाम गांधारी से आप कैसे काटेंगे? ऐसे कुछ नाटक हमारे गिने हुए एक्टर हैं हिंदुस्तान के, भारतीय रंगमंच के गिने हुए एक्टर हैं जो स्क्रिप्ट के नाम से जाने जाते, तो वो वाली ताकत लानी। लेकिन आप ये भी कह देना कि हम नई पीढ़ी को टच ही ना करें, लड़ना तो पड़ेगा ना। नया बच्चा जो आया, ब्लॉकिंग की आप बात करते हैं, ब्लॉकिंग तो जयंत भाई करनी ही पड़ती है, चाहे फिर वो पेंटिंग वाला अपना सब्जेक्ट ही देख लीजिए, पिक्टोरियल कंपोजिशन कैसे बनेंगी फिर तो ये ग्राफ का फिल्टर ऐसे एक लाइन में जाएगा सर। लेकिन कम से कम बैठ के खड़े हो के एक स्टेप चढ़ के तो वो ब्लॉकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि देखने वाला वो जैसे पुंज ने कहा कि नाटक तो पता है आषाढ़ का एक दिन वो कर रहे हैं, लेकिन कैसा कर रहे हैं ये देखना जा। कुछ चीजें हैं ये सर, लेकिन किसी एक्टर को खुलने से पहले या किसी एक्टर को स्टेज पर आने के बाद अपना खुद को एक्सप्लोर करने से पहले वो डायरेक्टर के ब्लॉकिंग में बंध जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं अन्याय है। नहीं नहीं अन्याय नहीं है, जैसे कुछ नाटकों का कह रहे थे कि उनको छोड़ दो, कहां तक छोड़ दें, एक्टर एक ही कोने में दबक के बैठ जाए और जब हमारा काम है तब फिर हमारा काम आपको पांच पांच अगर 50 आदमी दर्शक बैठे हुए हैं ऑडियंस में तो 50 का मतलब है 100 कैमरा देख रहे हैं उनको जी। एक व्यक्ति की दो आंखें, दो कैमरे, सही बात। तो हमें वो जो एक ब्लैक बॉक्स है या जो जिस पे हम लाल पीले पेंट कलर मारते हैं उसमें तो कुछ दिखे, हम देखने आए हैं ना, हमें नाटक देखना है, सुन तो रहे हैं, हम देखना भी है उन चीजों को जहन में रख के ब्लॉकिंग का एक हिस्सा है, दिखने में भी अच्छा लगता है। अब तुगलक में वो ऊपर खड़ा है तो उसने ऊपर खड़ा होकर चाहे चार स्टेप के ऊपर से आएगा तो